वेलकम दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम आज साइंटिफिकली कवर करेंगे कि कौन सी चीज़ें हमारी लाइफ में हमको चीज़ें अचीव नहीं करने देती, ऐसी कौन सी बायोलॉजी हमारे हमारी बॉडी के साथ हमारे माइंड के साथ जो हमें रोकती है वो चीज़ें अचीव करने के लिए। तो आज हम चालू करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और वो है स्ट्रेस। अब मान लो आप हजारों साल पहले जी रहे हो, अब उन जंगल में रहते हुए आप शिकार पर निकलते हो और अचानक से आपके पीछे एक शेर पड़ जाता है। वो शेर आपके पीछे पड़ जाता है और आपके पास अब तीन ही ऑप्शन है, या तो आप हक्के बक्के रह जाओ वहां पर फ्रीज हो जाओ, दूसरा ऑप्शन है आप भागने लग जाओ, क्रेजी बिल्कुल पागलों की तरह भागने लग जाओ क्योंकि अब आपके पास और कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि वो अब शेर आपको खा सकता है कोई भी टाइम पे, या दूसरी चीज आप कोई पत्थर केव के पीछे भाग जाओ। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले फ्रीज हो जाते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यार वो शेर हमारे पीछे भाग रहा है, हमको भागना चाहिए, तो हम भागने लग जाते हैं। भागते 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 हमको एक गुफा दिखती है, एक केव दिखता है, उस केव में घुस जाते हैं, हम चुप जाते हैं। केव में हम चुप जाते हैं और हमको उस शेर की आवाज बाहर दिखती है, हमको सुनाई देती है, हमको छोटी सी नजर से हमको दिखता है कि वो शेर बाहर खड़ा है, हमको सूंघने में आ रही है उस शेर की खुशबू या बदबू। अब हम वो नोटिस कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारी सेंसेस के बेसिस पे। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आज के टाइम पे आते हैं। ऐसी कौन सी गारंटी नहीं है कि आज के टाइम पे वो शेर नहीं है? क्या वो शेर हमारे घर पे है? क्या वो शेर हमारे ऑफिस में है? क्या वो शेर हमारे आउटर वर्ल्ड में है? मेरे कहने का मतलब है ये जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस हमेशा हमारी लाइफ में एक अंडरकरंट जैसे जीता है, मतलब हमारी लाइफ में कॉन्स्टेंटली चलता हुआ जाता है। इनफैक्ट 90% लोग लाइफ अपनी जी रहे हैं स्ट्रेस के लेवल पे। अगर आप देखते हो किसी डियर के पीछे एक शेर भागता है, कोई भी बड़ा जानवर भागता है, तो वो डियर भागने लग जाएगा, अपनी जान बचाने लग जाएगा। जैसे ही वो जान बचाता है अपनी और वो जानता है कि डेंजर खत्म हो चुका है, अब वो अपने नॉर्मल लाइफ में जीने लग जाएगा। अब वो नहीं ये सोचेगा कि अब मुझे एक प्लान बनाना चाहिए उसके अगेंस्ट, कभी वो शेर आएगा तो मैं हमेशा तैयार रहूंगा। वो डियर नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी को शेक करता है और वो शेक इसलिए करता है क्योंकि अपनी बॉडी को वो न्यूट्रलाइज कर रहा है, जो इतनी सारी एनर्जी बिल्डअप हो चुकी थी उसको अब वो काम कर रहा है। तो अगर आपके पीछे वो शेर भागता है तो आपके पास वो तीन ऑप्शन होते हैं, रन, हाइड और फ्रीज। अब इन तीन ऑप्शन से क्या होता है, हमारी बॉडी में एक अलग सी एनर्जी क्रिएट होती है। वो एनर्जी अब आ रही है, अब वो एनर्जी आ रही है हमारी हार्ट सेंटर से, हमारे ब्रेन से, अब वो जा रही है सीधा सीधा हमारे लिम्स पे, हमारे हाथों और पैरों पे, क्योंकि अब या तो हमको उस पैर उस शेर पे अटैक करना पड़ेगा या फिर हमको भागना पड़ेगा। अब जो हमारा माइंड है, अब वो धीरे 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 फोकस करने लग जाएगा बाहर की चीजों पे, अंदर फोकस नहीं करेगा, अब उसका सारा का सारा ध्यान जाएगा बाहर। अगर रिस्क है तो बाहर है, अंदर कुछ नहीं है, अंदर कुछ लेना देना ही नहीं है भैया, अब मुझे जो भी डिसीजन लेना है वो बाहर लेना है। तो क्या होता है, अब जैसे ही वो ब्रेन जाती है उस लेवल पे, उस ब्रेन का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। अब ब्रेन में जो फायरिंग थी और वायरिंग थी वो बिगड़ जाती है, जो हार्मनी थी वो बिगड़ जाती है। अब हमारा जो आगे वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं कि प्री फ्रंटल कोर्टेक्स या फ्रंटल लोब, अब वो जो पार्ट है हमारी ब्रेन का जो अभी 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल पहले आया था, मेरे ख्याल से हजारों साल पहले आया था, बट अभी रिसेंट टेक्नोलॉजी है हमारी ब्रेन की ये। अब जैसे ही अगर हमको लगता है हमारे पीछे वो शेर भाग रहा है, हमारा ये फ्रंटल लोब वो डीएक्टिवेट हो जाता है, अब हम हमारे एंसेस्ट्रल ब्रेन के हिसाब से चलने जाते हैं, अब हम फाइट और फ्लाइट में जाते हैं, अब हमारा रेस्ट और डाइजेस्ट बंद हो जाता है। अब आप खुद बताइए, अगर आप ऐसे मोड पे हो जहां पर आपको डर लगता है बाहर कोई चीज आ रही है आपको खाने के लिए, तो आप क्या ढूंढोगे, बाहर क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे कि यहां मुझे एक लेमिनेट की शॉप खोलनी चाहिए या यहां पर मुझे अपना एक बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहिए, या आप बाहर वो शेर ढूंढोगे, कहीं वो शेर यहां से आ जाएगा, कहीं वो यहां से आ जाएगा,
आप अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढोगे। हमारी ब्रेन का एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। आपने ज़्यादातर मोटिवेटर लीडर्स जो स्पीकर्स हैं यूट्यूब पे, आपने उनके इसके बारे में सुन रखा होगा, RAC, टोनी रॉबिन्स इसके बारे में बात करते हैं, मेल रॉबिन्स, हर किसी को उठा के बोल लो, वो इस RAC के बारे में जानते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं जरूर। अब वो सिंपल सी ब्रेन का एक हिस्सा ऐसा है कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैंने आज एक रेड कार खरीदी है, एक रेड हुंडई खरीदी है, तो आप बोलोगे अच्छी बात यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब अगले दिन आपको वो रेड हुंडई हर किधर देखने को मिलेगी। अब आपकी ब्रेन प्राइम हो चुकी है वही चीज ढूंढने के लिए। अगर आप बोलोगे अरे यार ये तो जतिन के पास है, अरे ये भी जतिन के पास है, या ये मेरे दोस्त के पास है, यही सेम गाड़ी मेरे पास है, तो उसी तरह से हमारी ब्रेन प्राइम हो जाती है। अगर मैं बोलता हूं कि बाहर एक शेर खड़ा है आपको खा सकता है, तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस स्ट्रेस पे जाएगा, उस अपॉर्चुनिटी पे नहीं जाएगा। तो क्या हो रहा है, अब जैसे ही हम बोलते हैं कि हमारी लाइफ में वो शेर बाहर है, अब हमको क्या करना है, उस एनर्जी को इकट्ठा करना है, हमारे हार्ट को तेजी से बीट करना है ताकि ब्लड हमारे हाथों पैरों पे पहुंच पाए, ताकि हम भाग पाए या हाइड कर पाए, और हमारे जो ग्लूकोज लेवल है बढ़ जाएगा, हमारी जो विजन है, ये बहुत ही जरूरी चीज है दोस्त, हमारा जो विजन है अब वो बाहर की चीज है, अपॉर्चुनिटी ढूंढने की जगह बहुत ही छोटा हो जाएगा। आपने देख रखा होगा हॉरर मूवीज में कि जब कभी कोई चुपता है, वो बिस्तर के पीछे नीचे छुपता है या पेड़ों के पीछे छुपता है, उसका जो विजन हो जाता है बहुत छोटा हो जाता है। इनफैक्ट वो जो कैमरा का जो लेंस है वो भी राउंड कर देते हैं कई बार। अब वो राउंड इसलिए करते हैं क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा होता है जब कभी हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारा जो विजन है अब वो आउटर की जगह इनर की जगह अब आउटर जाने लग जाता है। अब हम बाहर पूरी तरह से देखने की जगह हम छोटे नैरो विजन देखने लग जाते हैं। अब बॉडी के लेवल पर क्या होता है, ये अब हम इस लेवल से इस लेवल पर जाने लग जाते हैं। आप देख सकते हैं कि एक पर्सन खड़ा है, उसके आसपास इर्द गिर्द एक एनर्जी है। अब ये एनर्जी साइंटिफिकली प्रूवन है, हमारा हार्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजता है बाहर। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो बाहर तक जाती है। अब वो बाहर जाने पर क्या होता है, हम लोगों से कनेक्टेड फील करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरी वाइफ यहाँ पर खड़ी है, और मैं उसको लविंग वाइब्रेशन भेजता हूँ, तो वो महसूस कर सकती है, चाहे वो कॉन्शियस लेवल पे हो या सबकॉन्शियस लेवल पे हो, या उसका हार्ट महसूस कर सकता है। वैसे ही उसकी एनर्जी और मेरी एनर्जी, हम दोनों की एनर्जी साथ में कनेक्टेड है। अब वो जो कनेक्टेडनेस है वो एक वननेस क्रिएट करती है। इसलिए जब हम किसी दूसरे को हग देते हैं तो एक वार्मथ, एक पॉजिटिवनेस महसूस होती है, क्योंकि अब जो हमारी एनर्जी है वो बिल्कुल टच हो चुकी है। इसलिए सेक्स में और भी ज्यादा वो पॉजिटिविटी महसूस होती है, क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट्स इंटरैक्ट होते हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है उसको बोलते हैं कि माँ से उसको स्किन टू स्किन टच करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो हार्ट से कनेक्शन बिठाना जरूरी है, वो वननेस बिठाना जरूरी है। अब क्या हो रहा है, जैसे ही स्ट्रेस एक्टिवेट होता है, हमारे आसपास जो एनर्जी है अब वो कट जाती है। अब वो एनर्जी जो भार है अब वो हमारे हाथों और पैरों में जाने लग जाती। तब ज्यादातर आपने देखा होगा लोगों को इंटरव्यू में पसीने आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बाहर कोई शेर खड़ा है। अब वो शेर खड़ा है जिसके कारण उनको भागना पड़ेगा या फिर उसको अटैक करना पड़ेगा, तो इसलिए बॉडी में इतना ज्यादा वार्मथ, इतनी ज्यादा एनर्जी भर चुकी है कि वो तैयार अटैक करने के लिए तैयार है या छुपने के लिए तैयार है। अब दोस्तों ट्विस्ट यहां पर आता है कि जब भी कभी हम ये बोलते हैं कि ये एनर्जी एक लेवल है नॉर्मल एनर्जी, जहां पर हम एक्सपेंडिंग है, जहां पर हम एवर लविंग है, जहां पर हम ग्रो हो रहे हैं, और ये एक एनर्जी है, ये है नेगेटिव एनर्जी। ये है डिफरेंस पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में। पॉजिटिविटी ऑलवेज एक्सपेंडिंग है, जैसे इस यूनिवर्स की कोई कमी नहीं है, यूनिवर्स ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज एक्सपेंडिंग है, और नेगेटिव ऑन द अदर हैंड वो कॉन्ट्रैक्टिंग है, वो बाइंडिंग है, वो आपको रोक के रखता है, वो आगे नहीं बढ़ने लगता। तो ये डिफरेंस है हमारी बॉडी के लेवल पे। अब सबसे अच्छी चीज ये आती है कि जब भी कभी हमको वो स्ट्रेस आता है हमारी बॉडी में,
और हम उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, हमको ऐसा लगता है कि बाहर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, अब हमारी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है, अब उस बॉडी को स्ट्रेस चाहिए नॉर्मल फंक्शन होने में, उसको अब आदत हो गई है वो स्ट्रेस के साथ जीने की। जब तक उसको वो स्ट्रेस नहीं मिलेगा तब तक उसको ऐसा लगेगा कि वो सक्सेसफुल नहीं है, वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। तो दोस्तों अगर हमको वो कन्वर्ट करना है, अगर हमको वो अराउजल जो हमको रश की जो आदत पड़ गई, वो जो एडिक्टिवनेस हो गई है, अगर हम उसको कम करना है तो हमको एक ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहां पर वो एक्सपेंडिंग एवर लविंग एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है। तो हमको बनना पड़ेगा एक नो बॉडी जहां पर हमारी कोई बॉडी नहीं है, नो वन, कोई भी हम एक पर्सन नहीं है बट अनलिमिटेड है हम, नो टाइम जहां पर कोई टाइम नहीं है क्योंकि कॉन्शियसनेस टाइम एक्सपीरियंस नहीं करती, नो वेयर मतलब कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, हम वो नैरो फोकस के साथ नहीं देख रहे, हम एक्सपेंडेड फोकस के साथ देख रहे हैं और हम बन रहे हैं प्योर कॉन्शियसनेस से। जब कभी हम उसको प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, हम ये लेवल से, ये स्ट्रेसफुल लेवल जो हम डेली लाइफ में जी रहे हैं, आप मानोगे नहीं कितने सारे लोग कर रहे हैं, इनफैक्ट आपको लगता है कि आप स्ट्रेसफुली नहीं जी रहे बट डीप इनसाइड अंडर करंट है, उसके नीचे कोई एनर्जी है, वो स्ट्रेस की एनर्जी कॉन्स्टेंटली रहती है। तो अगर आप इस फॉर्म से इस फॉर्म पे आना चाहते हैं जहां पर एवरलास्टिंग एनर्जी है, तो हमको आना पड़ेगा इस प्योर ब्लैकनेस में। काफी सारे लोग पूछते हैं मुझसे मेडिटेशन में कि सर आप ये ब्लैकनेस ब्लैकनेस के बारे में क्यों मेडिटेशन करते रहते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम जा रहे हैं एक बॉडी से पुरानी फॉर्म में, जहां पर हम पहले थे, जहां पर हमारा सोल था। हमारा सोल कहां पर था? कहीं पे भी नहीं था, कोई जगह नहीं थी। जगह हमने क्रिएट की हमारे माइंड में, टाइम हमने क्रिएट किया है हमारे माइंड में, तो हम माइंड से डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं, हम अपनी सेंसेस से डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं। क्योंकि जब कभी हम अपनी सेंसेस और माइंड से डिस्कनेक्ट होंगे, हम वो जा रहे हैं नोवेयर से एवरीवेयर, नोवेयर से सॉरी समवेयर से नोवेयर, समवेयर से एवरीवेयर। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं अभी मेडिटेशन लाया हूं, वो आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। उसको आपको सिर्फ एक दिन नहीं करना, लगातार आपको 10 दिन तक उसको करना है। ये प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी, उसके बाद अगर आपके 10 दिन खत्म होते हैं वापस आपकी गिनती चालू होगी, ऐसे 10 दिन की आपकी ब्रैकेट चलती रहेगी। और आपको मैं प्रॉमिस करता हूं दोस्तों, आपकी जो लाइफ है बदल जाएगी अगर आप इस स्ट्रेस से दूर जाते हो, जब आप अपनी बॉडी को ट्रेन करते हो कि ये जो एडिक्टिव पैटर्न मैं सीखा हूं वो नहीं, मुझे यहां पर जाना है, इससे एडिक्टिव होना है, अपनी हार्ट एनर्जी हमारी ब्रेन एनर्जी से एडिक्टिव होना है। कोई क्वेश्चंस हैं दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए। आने वाले टाइम पे हम इसी टॉपिक को हम एक्सपेंडेडली देखेंगे, कैसे हमारे बिलीफ सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। और अगर आप चाहते उसके बारे में और जानना, तो मैंने एक वीडियो डाला था इस पे, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की सीरीज, वो आप देख सकते हैं। थैंक यू।